हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम लॉन्ग स्कर्ट बनाना। जिसके लिए फ्रेंड्स हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले आप कपड़े को 2 फोल्ड करके और ऐसे तिकोना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आपका जो भी कमर साइज है उसको आप 4 से डिवाइड करके उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। तो यहाँ से बिल्कुल इसमें हम गोलाई दे देंगे। अब उसके बाद हम जितने भी आपको लंबाई की अपनी स्कर्ट तैयार करनी है, जिसमें हम 4 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे, तो 4 इंच छोड़ के और हमारी जो स्कर्ट की जो लेंथ होगी वो हम 40 इंच की रेडी करेंगे। तो हम 41 इंच ले रहे हैं क्योंकि हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो बस पूरे में हम ऐसे छोटे छोटे डॉट बनाएंगे और सभी डॉट को फिर एक दूसरे के साथ हम अटैच कर देंगे। और इसमें हमारा जॉइंट भी आएगा जिसे आपको दिख रहा है। तो जॉइंट जो नीचे का कपड़ा है उससे बेल्ट और जॉइंट लगा लेंगे। अब ये कमर वाला हिस्सा भी हम कट कर देंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ से छोटा बड़ा पार्ट है उसको अलग करके अब जो हमारा ये जॉइंट वाला पार्ट है उसको रख लेंगे यहाँ से, और बस यहाँ पर निशान लगा के इसको कट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर पिन लगा देंगे साथ के साथ, ताकि ये पता रहे कि पार्ट यहाँ पर जुड़ेगा। बंद वाली साइड से भी इसको खोल देंगे। दूसरी साइड मतलब 2 जॉइंट आएंगे तो दूसरे में भी ऐसे ही लगा लेंगे और पिन लगा लेंगे साथ के साथ। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो ये स्कर्ट आप कोई भी कैप कपड़े से बना सकती हैं। मैंने ये कॉटन कपड़ा लिया है जो कॉटन का होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो स्कर्ट है वो कट गई है। अब सेम हमें लाइनिंग लेनी है और इस लाइनिंग का भी हमें सेम ऐसे ही कपड़ा कट कर लेना है अम्ब्रेला में ही। तो मैंने ये सैंटून की लाइनिंग ली है और पूरा मेजर करके हम ऐसे गोल सर्कल बनाएंगे। सेम लंबाई है जो, उससे हम लगभग 6 से 7 इंच कम लेंगे, ठीक है। इसमें हम जॉइंट नहीं लगाएंगे, तो मैं 30 इंच पे ले रही हूँ इसको। यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो लाइनिंग है वो भी कट हो गई है। अब बंद साइड से इसको ओपन कर देंगे। अब सिलाई कैसे करना है वो देखिए आप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बचे हुए कपड़े से बेल्ट कट कर ली है और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें पहले तो ये वाले पार्ट सिलने हैं। इसके जो पिन है उनको निकालते जाना है और इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है, और फिर उसके बाद प्रेस से अच्छे से हम इसको बिठा देंगे। तो ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है। अभी हमें जो अपना अस्तर है उसको नीचे से मोड़ लेना है। आप चाहें तो इस पे पीको भी करा सकती हैं। तो ये देखिए मैं इसको एक ही बार में फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ से हमें इसे पूरा फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना जो टॉप पार्ट है उसको और जो हमारा ये मेन फैब्रिक है दोनों को हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम दोनों को अच्छे से अटैच कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस तरीके से रख के इसके ऊपर हम दोनों को रख के सिलाई लगाएंगे। और इसमें हम कोई भी जिप वगैरह नहीं लगाएंगे, हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो साइडों से बस इसको रख के अब हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड सिल देंगे एक एक इंच कपड़ा दबाते हुए। चारों पार्ट को एक साथ सिलना है क्योंकि चारों पार्ट हमारे सेम ही हैं। तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, तो एक ही साथ सिलाई कर देंगे हम इनको। नीचे तक सिल देंगे इसको। अब हम अपने जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे। तो इसको मैं डबल में कर रही हूँ, मतलब पहले इसको आधा इंच फोल्ड करूँगी, फिर एक बार और फोल्ड करूँगी, क्योंकि अगर हम एक बार में ही फोल्ड करेंगे तो इसमें फिर झोल पड़ता है। तो दोनों कर लिए हैं। अब ये हमने बेल्ट के लिए और अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। बेल्ट की जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने 6 इंच ली है, क्योंकि 4 इंच की बेल्ट हमारी तैयार रहेगी, 2 इंच हम फोल्ड करेंगे। तो बस ऐसे करके हम इसमें पूरे में बेल्ट को घुमा के लगा देंगे। तो देखिए अब यहाँ से इसको पहले जोड़ देंगे।
ऐसे कट करके अब ये वाला पार्ट पहले जोड़ेंगे हम। अब उसके बाद फिर से ऐसे सिलाई कर देंगे। तो ये होगी हमारी बेल्ट यहाँ तक लग के कंप्लीट। अब इसको बस फोल्ड करना है हमें इस तरीके से, 4 इंच तैयार रख के अब जो एक्स्ट्रा है उसको अंदर की साइड मोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। तो आप भी ऐसे ही डेली यूज़ के लिए अपने लिए स्कर्ट बना सकती हैं, काफ़ी अच्छी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है इसको। कोई भी फैब्रिक से आप इसको बना सकती हैं। अब हमने इलास्टिक ली है अपनी कमर से 3 इंच कम। अब 1 इंच कपड़ा मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, मतलब वहाँ सिलाई नहीं लगाई थी। अब इलास्टिक को पूरे में डाल के और वो पार्ट सिलाई कर देंगे हम, यहाँ से सिलाई कर देंगे, यहाँ से भी सिल देंगे। तो हमारी स्कर्ट बन के रेडी है, आप देख ही सकती हैं काफ़ी घूमदार है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।